हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सुंदर, सकारात्मक, प्रेम और एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। शास्त्रों में घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। अगर घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो इन छोटे छोटे लेकिन रामबाण उपायों को आजमाकर देखें, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और फिर धीरे धीरे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन अवश्य ही करें या बजाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे पैर नहीं लगाने चाहिए, न ही उसके ऊपर से गुजरना चाहिए, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगती है। घर में बनी हुई पहली रोटी हमेशा गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए। घर के पूजा घर में सदैव जल से भरा एक कलश अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा में उपयोग होने वाली धूप दीप हवन की अग्नि जैसे पवित्रता की प्रतीक चीज़ों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से एक स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। सूर्यास्त के समय हर रोज़ तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दे, अन्यथा घर में राहु का असर होने लगता है। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी घर की सुख समृद्धि से बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।